স্বাস্থ্য খাতে উন্নতির দিক থেকেও পিছিয়ে নেই পড়শি দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষার একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে চলেছে এবং তার কারণে ইতিমধ্যে ভুটান, নেপাল ও ভারত থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী বাংলাদেশে এসে থেকে পড়াশোনা করছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মে হু এহসান খান আর আপ দেখ রহে হ্যায় ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়েকশন উইথ এহসান। মে উম্মীদ করতা হু আপ জাহাঁ ভি হোঙ্গে এনজয় করতে হোঙ্গে, মজে মে হোঙ্গে আর ফিট ফাট হোঙ্গে। ভিউয়ার্স, বহুত বড়ি খবর হ্যায় আর ইন্ডিয়ান মিডিয়া ফির ইন্ডিয়ানস পরেশান হ্যায়, ও ইয়াহাঁ তক কহ রহে হ্যায় কি দেখেন, বাংলাদেশ নে হামে ইকোনমিক্যালি তো কাফি ডেন্ট ডালা হ্যায়, হামে পিছে ছোড়তা হুয়া নজর আ রহা হ্যায়, টেক্সটাইল সেক্টর মে ইসনে হামে পিছে ছোড় দিয়া আর চাইনা কো বিট করনে কে দর পে, চাইনা কো বহুত করিব হো সকতা হ্যায় কি উসে ভি বিট কর দে, লেকিন ক্যুঁকি দুসরে নম্বর পর আ গয়া, পহলে দুসরে নম্বর পর ভারত থা উসমে টেক্সটাইল মে, তো আব ও কহ রহে ইকোনমিক্যালি হামে বিট করনে কে বাদ আব জো বাংলাদেশ হ্যায় ও মেডিক্যালি ভি হামে পিছে ছোড়তা হুয়া নজর আ রহা, হামসে আগে যা রহা ট্রিটমেন্ট কে ইলাজ কে অন্দর বাংলাদেশ কেসে, ও কেসে ভাই, আব সাইমা ওয়াজিদ বোতুল হ্যায় জো শেখ হাসিনা কি বেটি হ্যায়, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर बनी है और ये एक बड़ी सीट है, एक बड़ा अहदा है और एक बड़ा डेजिग्नेशन मिला है इन्हें। और उसके बाद अब WHO ने ये ऐलान किया है कि हम अब बांग्लादेश में जो ट्रीटमेंट है, बांग्लादेश में जो मेडिकल है और मेडिकल का जो सेक्टर है उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और बांग्लादेश में बांग्लादेश को जहाँ जहाँ ज़रूरत है कि हॉस्पिटल्स बने, मेडिकल एजुकेशन के ऊपर काम होने वाला है, ट्रीटमेंट अच्छा हो, लोगों का इलाज अच्छा हो, और जो बांग्लादेशी इंडिया में अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे या सिंगापुर करवाने के लिए जाते थे या किसी और मुल्क जो बांग्लादेश में नहीं होता था, अब उन्हें किसी भी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये WHO ने कहा। लेकिन असल में जो इसका असर है, इसका जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो साइमा वाजिद बतूल की बदौलत, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं WHO की, और जाहिर बात है जब वो डायरेक्टर होंगी तो फिर उनका मुल्क क्यों फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो अब जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि अब देखें कि जो बांग्लादेशी हैं वो अब भारत में अपना इलाज करवाने के लिए नहीं आएंगे। तो भाई कैसे आएँ आप, तो जब वो आते हैं उनके साथ इस तरह से बहुत ही, मैं कहता हूँ कि गॉड फादर एटीट्यूड आप उनके साथ अपनाते हो और इंसल्ट करते हो कि ये बंगाली आ गए हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए। एक वीडियो बहुत वायरल थी सोशल मीडिया पे, शायद आपने वो देखी हो ना हो, कि एक बुज़ुर्ग ज़ईफ़ जिसकी उम्र लगभग 70-80 साल के करीब थी, हॉस्पिटल में था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये बांग्लादेशी है, उन अंत भक्तों ने उनको हॉस्पिटल से निकाला और बाहर धकेला कि आप वापस जाओ बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश आउट, बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स आउट की जा रही थी, कहाँ पर इंडिया, जिस तरह अब बांग्लादेश में इंडिया आउट, इसी तरह वहाँ पर कंपेन चल रही थी बांग्लादेश बैन, बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, उनको यानी जो बांग्लादेशी इनको इधर आना भी नहीं देना चाहिए, ये उनका कहना था कि ये क्यों आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये तो हमारे जो जीत है उसके ऊपर सेलिब्रेशन करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, वो बड़ी वो उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की गई थी। लेकिन अब बांग्लादेश क्यों जाएगा भाई, बांग्लादेश के पास तो खुद बड़ा अच्छा ये हाई प्रोफाइल इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि WHO ने भी इसके ऊपर कहा है। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अहम वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। স্বাস্থ্য খাতে উন্নতির দিক থেকেও পিছিয়ে নেই পড়শি দেশ বাংলাদেশ, আর এবার সেই দেশের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে আগ্রহী সেই সংস্থা বলে খবর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঘটিত যে সকল রোগ দেখা যায় তার মোকাবিলায় এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ অর্জনেও বাংলাদেশকে সহায়তা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে বলে জানা গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ পূর্ব এশীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক সাইমা ওয়াজিদ এদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এবং সেই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, তার সরকার ইতিমধ্যেই সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করেছে এবং ক্লিনিক থেকে নারী এবং শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ওষুধ প্রদান করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষার একটি
আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে চলেছে এবং তার কারণেই ইতিমধ্যেই ভুটান, নেপাল ও ভারত থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী বাংলাদেশে এসে থেকে পড়াশোনা করছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। কোভিড-19 মহামারীর সময়েও সরকার জরুরি ভিত্তিতে 25,000 চিকিৎসক এবং 15,000 নার্স নিয়োগ করেছিল। তিনি আরো বলেন, সরকার বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসকদের জন্য লাইসেন্সিং পরীক্ষাও চালু করতে যাচ্ছে। গত 1 ফেব্রুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ পূর্ব এশীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাইমা বজেদ। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্তলাল সেন, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর রোকিয়া সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। সায়কদের রিপোর্ট। आप देखें जी, वीडियो देखी है, डॉक्टर शमित लाल हुसैन, डॉक्टर जोकियो और ये वो लोग हैं, इनके साथ मीटिंग भी हुई है और फिर इसके अंदर बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है। WHO ने भी ऐलान कर दिया है कि हम अब जनाब बांग्लादेश के अंदर आकर इसके ऊपर काम करेंगे। ट्रीटमेंट सेक्टर, जिनका जो इलाज हो वहाँ पर होता है मेडिकल सेक्टर के अंदर, और फिर जो ट्रीटमेंट लोगों का होता है उसमें बेहतर होगा। अब ये जो वेस्ट बंगाल का मीडिया वो भी ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ और भी जो न्यूज़ आउटलेट हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश अब मेडिकल के अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में अब जो बांग्लादेशी हैं वो डिपेंड नहीं रहेंगे भारत के ऊपर। वो तो पहले भी नहीं, आपने कहा था कि हम आपको प्याज नहीं देंगे तो आपका क्या क्या बनेगा, और लेकिन उन्होंने आपका प्याज नहीं खा रहे, आपका ओनियन के बगैर वो जी रहे हैं, फिर पोटैटोस देख लें, फिर उसके बाद शुगर को देख लें, राइस को देख लें, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। और इनके ऊपर एक वीडियो फैक्ट्स रिपोर्ट भी आई है सामने सबूतों के साथ, जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जारी की है ये रिपोर्ट, कि 2024 के अंदर 70-80% व्यूअर्स एक बार फिर सुन लीजिएगा, 70-80% जो प्रोडक्ट्स है इंडियन उसकी कमी हुई है एक्सपोर्ट्स में, जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स है उसमें बांग्लादेश में स्पेशली बांग्लादेशियों ने उसको नहीं लिया, बायकॉट किया है। और कितना बड़ा, ये तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बड़ा झटका मिला है इंडियन गवर्नमेंट को। और ये सब का सब जो नतीजा है ये उसी का है जो आए रोज बॉर्डर के ऊपर बेगुनाह निहत्ते और बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, फिर उनकी लाशें भी भारत में ले जाते हैं और इस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं। फिर आप देखें कि वाटर डिस्प्यूट है, जो पानी है टिस्टा रिवर का देख लें, गंगा रिवर का देख लें, इनका जो पानी है वो जो एक मुआहदा एक अग्रीमेंट है उसके मुताबिक भारत बांग्लादेशियों को नहीं देता, बांग्लादेश को बिल्कुल भी नहीं देता, ये भी उनके अंदर एक गुस्सा है। फिर वो कहते हैं कि हमारे जो पर्सनल मामलात हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, उसके अंदर भारत बहुत ज़्यादा मुदाखलत करता है, ये हमें चीज़ पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स आप भी बताइएगा इसके बारे में कि बांग्लादेश में WHO बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और फिर स्पेशली हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर वो करने जा रहे हैं, कैसा है ये, इससे कितना और ज़्यादा फ़ायदा होगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।